51 नंबर क्या है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ एक्स गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू, में देखिए क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू में दिया है यहाँ पर 1 प्लस का एक्स इंटू में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर इंटू में 1 प्लस एक्स का पावर 4 इंटू में 1 प्लस एक्स का पावर 8 एंड फाइंड एफ डैस 1। चलिए अब इसको देखते हैं, लिखते हैं टेकिंग लॉग बोथ साइड क्या हो जाएगा, लॉग एफ एक्स इक्वल टू में लॉग 1 प्लस का एक्स इंटू में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर इंटू में 1 प्लस का एक्स का पावर 4 इंटू में 1 प्लस का एक्स का पावर 8। चलिए तो ये मल्टीप्लाई में है तो प्लस में चला जाएगा ना, लॉग में है तो लॉग एफ एक्स इक्वल टू में हो जाएगा लॉग 1 प्लस का एक्स प्लस लॉग 1 प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस लॉग 1 प्लस का एक्स का पावर 4 प्लस लॉग 1 प्लस का एक्स का पावर 8। अब इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ आ जाएगा आपका 1 बाई एफ एफ एक्स इंटू में आपका एफ डैश एक्स इक्वल टू में इसका डिफरेंस 1 बाई में 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स का 1 प्लस इसका हो जाएगा 1 बाई में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का आ जाएगा 2x प्लस 1 बाई में 1 प्लस एक्स का पावर 4 और इंटू में आ जाएगा 4x क्यूब। चलिए और प्लस 1 बाई 1 प्लस एक्स का पावर 8 और इंटू में यहाँ पर हो जाएगा 8x का पावर 7 है ना। तो अब इस एफ एक्स को इधर लेके आते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू में एफ एक्स इंटू में यहाँ पर क्या बचा 1 बाई 1 प्लस का एक्स प्लस 2x बाई 1 प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस 4x क्यूब बाई में 1 प्लस एक्स का पावर 4 और प्लस 8x का पावर 7 बाई में 1 प्लस एक्स का पावर 8। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर इसे सॉल्व करते हैं, एफ एक्स का वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, एफ डैश एक्स इक्वल टू में देखिए क्या एफ एक्स वैल्यू 1 प्लस एक्स इंटू में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर इंटू में 1 प्लस का एक्स का पावर 4 इंटू में 1 प्लस एक्स का पावर 8 और यहाँ देखिए क्या बचा है 1 बाई 1 प्लस का एक्स प्लस 2x बाई में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस 4x क्यूब बाई में 1 प्लस का 1 प्लस का क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्स का पावर 4 प्लस 8x का पावर 7 बाई में 1 प्लस एक्स का पावर 8 ये है ना जी। चलिए अब अंदर एलसीएम लेके इसे यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं, चाहे इतना भी छोड़ सकते हैं चलिए, लेकिन आपका आंसर जो है ना एक सिंपल पॉलीनोमियल का फॉर्म में दे, इसलिए हम लोग इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो बेहतर होगा। चलिए देखते हैं, ठीक है चलिए हो गया। अब अंदर हम लोग ना इन सब का एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं इस तरह से इंटू में है, नीचे आपका एलसीएम यही हो जाएगा 1 प्लस एक्स इंटू में 1 प्लस का एक्स का स्क्वायर इंटू में 1 प्लस एक्स का पावर 4 इंटू में 1 प्लस एक्स का पावर 8। ठीक है अब इसके बाद देखिए इसमें सीधे बैठे ये तीनों जगह को मल्टीप्लाई करेगा, 1 से मल्टीप्लाई करेगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स का पावर 4 इंटू में 1 प्लस एक्स का पावर 8। फिर इसके बाद है प्लस 2x, इसमें से डिवाइड ये वाला कटेगा, ये तीनों जगह मल्टीप्लाई करेगा 1 प्लस एक्स इंटू में 1 प्लस एक्स का पावर 4 इंटू में 1 प्लस एक्स का पावर 8 हो जाएगा। ठीक है और फिर आगे देखते हैं प्लस में सिर्फ एक ये वाला टर्म कट जाएगा ये वाला, ठीक है तो ये तीन बचेगा 1 प्लस एक्स इंटू में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर इंटू में यहाँ पे 4x क्यूब पहले से ही है ऑलरेडी, ठीक है और यहाँ पर है आपका 1 प्लस एक्स का पावर 8। ठीक है और फिर अब ये प्लस में यहाँ पे हो जाएगा 8x का पावर 7, इसमें सिलवेट करेंगे कट जाएगा, ये जगह मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस एक्स इंटू यहीं पे 1 प्लस का एक्स स्क्वायर और फिर इंटू में 1 प्लस एक्स का पावर 4। ठीक है अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, देखिए इससे ये वाला टर्म कट जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना तो सभी प्लस में ही है, देखो एफ डैश एक्स इक्वल टू में आपका आ जाएगा, ठीक है आ जाएगा 1 प्लस का एक्स स्क्वायर ऐसे ही रह लेते हैं, इन दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 प्लस एक्स का पावर 8 प्लस एक्स का पावर 4 प्लस एक्स का पावर 12 2x है ना जी, 2x को इसमें मल्टीप्लाई कर ले ठीक रहेगा या फिर हाँ 2x और प्लस का 2x स्क्वायर इन दोनों में इंटू कर लेते हैं x का पावर 8 x का 1 प्लस ऐसे लिख देते हैं लाइन से लिखते हैं 1 प्लस
एक्स का पावर 8 प्लस एक्स का पावर 4 प्लस एक्स का पावर 12, ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं 4x³ है, तो 4x³ में 1 से मल्टीप्लाई होगा 4x³, और x से मल्टीप्लाई होगा तो 4x⁴, और इंटू इन दोनों में आपस में मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस एक्स का पावर 8 प्लस का एक्स का पावर 2 प्लस का एक्स का पावर क्या हो जाएगा, 10 ना जी, एक्स का पावर 10 हो जाएगा, यही ना होगा जी। फिर उसके बाद देखिए इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा यहाँ पर प्लस क्या जाएगा 8x⁷ और प्लस में 8x⁸, ठीक है। और फिर इंटू में इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस एक्स का पावर 4 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस का एक्स का पावर 6, है ना। और बाई में एक्स का पावर 6 और बाई में कुछ नहीं बचा क्योंकि देखो ये इससे कट गया। अब इसके बाद देखते हैं एफ डैश एक्स इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस एक्स का पावर 8 प्लस एक्स का पावर 4 प्लस एक्स का पावर 12, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का पावर 10, और फिर इन प्लस में एक्स का पावर 6 प्लस एक्स का पावर 14। यहाँ पे देखते हैं क्या आता है, प्लस 2x प्लस का 2x का पावर 9 प्लस का 2x का पावर 5 प्लस का 2x का पावर 13 होगा। फिर यहाँ पर प्लस में 2x स्क्वायर से करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस का 2x का पावर 10 और प्लस का 2x का पावर 6, और फिर यहाँ पर हो जाएगा 2x का पावर कितना 14 ना जी, 2x का पावर 14 हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पर प्लस का 4x³ प्लस का आ जाएगा यहाँ पर 4x का पावर कितना हो जाएगा 11 ना जी, ठीक है। 4x का पावर 11 यहाँ पर हो जाएगा, फिर प्लस का 4x का पावर 5 प्लस में 4x का पावर 13 10 और 13 हो जाएगा, फिर प्लस में 4x स्क्वायर 4x का पावर 4 प्लस का 4x का पावर 12, इसमें से करेंगे हो जाएगा 4x का पावर 12, और फिर प्लस का 4x का पावर 6 प्लस का 4x का पावर 14, ठीक है। अच्छा आप देखिए इसके बाद क्या करते हैं, फिर प्लस इस इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे 8x का पावर 7 प्लस का 8x का पावर कितना हो जाएगा 11, ठीक है, और प्लस 8x का पावर 9, ठीक है। चलिए अब इस सॉरी 8x का पावर कितना हो जाएगा, हाँ 7 to 9, और फिर प्लस में हो जाएगा 8x का पावर कितना हो जाएगा 13 ना, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस 8x का पावर 8 ये वाला, ठीक है। अच्छा और फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका आपके साथ मल्टीप्लाई का तो 8x का पावर 12 प्लस 8x का पावर 10 जो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, और फिर प्लस 8x का पावर 14, ये ना होगा जी सब मल्टीप्लाई करने पे। आगे इसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से हम लोग अब चाहें तो लिख सकते हैं कि f डैश x इक्वल टू सबसे हाईएस्ट पावर वाला ये है, कहाँ गया, यही ना है जी, तो यहाँ पर है और कहाँ है, यहाँ पर x का पावर 14 वाला, यहाँ पर x का पावर 14 वाला, और कोई है देखिए 8 फॉर 12 12 12 12 12 12 और 2 14 और एक ये 15 हो जाएगा, 15x का पावर 4 होगा। अच्छा स्मॉलेस्ट वाले देखते हैं, 1 है यहाँ पर और कोई कांस्टेंट कहीं भी कांस्टेंट नहीं है। अब एक्स स्क्वायर वाले को देख लो, तो x वाले को देख लो, तो x वाला कोई टर्म दिख रहा है इसमें नहीं ना जी, तो x वाला टर्म देखो, x वाला टर्म देखो यहाँ पे है, और x वाला टर्म और कौन है जी, और कोई नहीं है ना, तो ये सिर्फ 2x आ जाएगा, है कि नहीं 2x है ना, और क्या आएगा जी, और यहाँ पर x स्क्वायर वाला टर्म देखें तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, इसी तरह से ये कहाँ तक चला जाएगा 15x का पावर 4 तक, ठीक है। तो f डैश x आ गया, तो f डैश 1 निकालने के लिए कह रहा है,
एफ डैस एक्स एफ डैस वन का आ रहा है तो इसमें क्या करेंगे, वन रख देंगे, वन इंटू टू इंटू वन प्लस थ्री इंटू में वन का स्क्वायर, ये कहाँ तक चला जाएगा, 15 इंटू वन का पावर 4 तक, यानी कि यहाँ पर देखो यहाँ 1 प्लस 2 प्लस 3 कहाँ तक ऐड कर लेना है, 15 तक, तो सम ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, 15 इंटू में 15 प्लस 1 और बाई में यहाँ पर 2, तो 15 इंटू में 16 और बाई में 2, 8, ठीक है, तो यहाँ पर 120 एफ डैश वन भी आ जाएगा, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं, एफ डैश वन हमारा 120 आ गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन